गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 31 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर 3 चुनावी राजनीति से ली गई है और इस वर्कशीट में हम चुनाव क्यों और चुनाव के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव क्या होते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अब जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है बेटा, उसमें एक नियमित अंतराल पर ही चुनाव होते हैं, फिक्स टाइम होता है, उसके बाद रिपीट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो हर पाँच साल में हम चुनाव यहाँ पर होते हैं और हम वोट डालते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अब चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अगर इच्छा है तो उन्हें बदल भी सकते हैं। मतलब अगर उन्हें नहीं पसंद आता उनका शासन, उनके काम करने का तरीका और सरकार, अगर उन्हें पसंद नहीं आती है तो नेक्स्ट जो चुनाव होंगे, अगले इलेक्शन में वो क्या करेंगे, उस सरकार को बदल सकते हैं। तो वो किसी और पार्टी को वोट देंगे और दूसरी सरकार को चुन लेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाते हैं। अब लोकतंत्र में जो है चुनाव क्यों ज़रूरी है, कि जो भी हमने प्रतिनिधियों को चुना है अब वो हमारे पसंद के हैं यानी, और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं यानी कि जो सरकार है वो हम जनता के लिए, जनता के हित में काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए चुनाव ज़रूरी हो जाता है। ताकि अगर वो जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो अगले इलेक्शन में वो सरकार को बदल सके। अब बात है बेटा मतदाता के पक्ष में तर्क। अब जो मतदाता है वो क्या है, वो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। अब जो मतदाता है वो जो चुनाव करता है उसके द्वारा वो किन को चुन सकते हैं, कानून बनाने वालों को भी, जो संसद है वो कानून बनाती है। तो जो उसमें जो MPs होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है, जनता करती है चुनाव के द्वारा। अब ये सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं। जो लोग सरकार बनाते हैं, जो बड़े फैसले लेते हैं हमारे देश में, उनका चुनाव कौन करता है, मतदाता वोट डालते हैं और उनका चुनाव करते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। और जो सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाने वाला और जो दिशा निर्देश करने वाली पार्टी है, उनका चुनाव भी मतदाता के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, कि किसी भी चुनाव को हम लोकतांत्रिक कब कहेंगे। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। अगर स्वतंत्र चुनाव है, निष्पक्ष है, किसी के भी फेवर में चुनाव नहीं होते हैं, सब अपनी पसंद से, अपने हिसाब से, अपने अनुसार व्यक्तियों का चुनाव कर सके, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, किसी के भी फेवर में कोई भी वोटिंग नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक चुनाव वो कहलाएगा। नेक्स्ट है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे और एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा से चुनाव कराए जाए। अब नियमित अंतराल पर जो चुनाव होंगे तो दूसरे प्रतिनिधियों को भी मौका मिलेगा, दूसरी पार्टियों को भी मौका मिलेगा। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, अगले इलेक्शन में उस पार्टी को बदल दिया जाएगा। और अगर नियमित अंतराल पर चुनाव नहीं होंगे तो क्या होगा, एक तरह से अलोकतांत्रिक शासन आ जाएगा, राजतंत्र की स्थिति हो जाएगी वो, तो क्योंकि वही शासन चलता रहेगा एक लंबे समय तक। तो चुनाव जो है नियमित अंतराल पर अगर होंगे तो हम उन चुनावों को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। हर किसी व्यक्ति को जो है वोटिंग डालने का अधिकार हो और हर एक व्यक्ति के वोट का मोल जो है समान होना चाहिए। चाहे गरीब व्यक्ति है चाहे अमीर है, अगर एक वोट डाला तो सबके वोट की काउंटिंग एक ही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भाई एक अमीर व्यक्ति डाल रहा तो उसके एक वोट को हम 1000 गिनती में लेंगे, काउंट करेंगे, और एक गरीब व्यक्ति डाल रहा तो उसके वोट को हम एक ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। सबको ही समान अधिकार होता है वोट डालने का और सबके वोट की जो काउंटिंग होती है, जो मोल होता है, वो सबका समान होता है। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, और जो चुनाव में जो मतदाता है उनको अपनी पसंद के जो उम्मीदवार है उसको चुनने के लिए विकल्प होने चाहिए, ऑप्शंस होनी चाहिए उनके सामने। अगर मान लो ऑप्शन ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वो तो पार्टी अपने आप ही जीत जाएगी, कोई भी प्रतिनिधि जो है प्रतिद्वंद्वता होगी नहीं उनमें, आपस में कोई कंपटीशन ही होगा, तो वो पार्टी तो अपने आप ही जीती है। तो चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए कि भाई यहाँ पे इस इलेक्शन में ये प्रतिनिधि
चुनाव लड़ेंगे और उसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो इन सब आधार पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक कहेंगे। उसके बाद है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है। अब आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर एक पार्टी जो है उनमें एक कॉम्पिटिशन होता है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। हर कोई अपना प्रचार करता है, अपने तरीके से लोगों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करता है। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल आ जाता है। तो सारे जो हैं जो उम्मीदवार होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं कि मुझे विनर होना है, मुझे जीतना, मुझे चुनाव जीतना, हर कोई यही चाहता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। अब उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को ब्लेम करती है, ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। जब चुनाव शुरू होते हैं तो उस पर अब जो है दोष लगाने लग जाते हैं एक दूसरी पार्टीज़ पे कि भाई इसने ऐसा किया है, ये ऐसा है और इसको चुनाव में इसको बाहर कर देना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जो पार्टी होती है वो छुप छुप कर लोगों को क्या करती है, पैसे दे के भी वोट खरीदना चाहती हैं और लोगों को लालच देती है। तो ये सब जो है प्रतियोगिता में अच्छी चीज़ नहीं है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसमें ये बहुत ही नुकसान वाली चीज़ है। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसे स्थिति हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं, अब एक व्यक्ति तो दूसरी पार्टी को पसंद करता है, दूसरा किसी और व्यक्ति को, उम्मीदवार को पसंद करता है, तो आपस में क्या होता है उनमें मतभेद हो जाता है और दोनों में बंटवारे की लड़ाई की स्थिति हो जाती है कि नहीं ये इस पार्टी के फेवर में कैसे बोल रहा है, तो इस पार्टी के फेवर में होना चाहिए। तो लोगों में आपस की जो सोच है वो भी नहीं मिलती है। हर किसी को अपनी पसंद है, अपना अधिकार है अपना उम्मीदवार चुनने का। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब जो कई लोग ऐसे हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं पर वो इन सभी वजहों से, जो ये लड़ाई झगड़ा है, ब्लेम गेम खेला जाता है, जो बंटवारा होता है, तो इन सब वजह से क्या करते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि वो इस राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन ये जो कंपटीशन है, ये प्रतिद्वंद्विता है, ये होनी ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो तो अपने आप ही जीत गई है, उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं होगा कि हम किसे चुने, कि कौन हमारे देश के लिए अच्छा शासक होगा। तो जो प्रतिद्वंद्विता है, ये चुनावी प्रतिद्वंद्विता, वो होनी ज़रूरी है। लेकिन उसमें ये जो सारे ब्लेम गेम वगैरह होते हैं, जो भी नुकसान वाली चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये वर्कशीट क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। बेटा इसका आंसर है, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित अंतराल पर करवाई जाती है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है बेटा, लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी है ताकि जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सके। और सेकंड पॉइंट, और अगर प्रतिनिधि जनता की पसंद के नहीं है तो अपनी इच्छा से उन्हें बदल सके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किन आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। यह भी हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया है बच्चों। तो निम्न आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। दूसरा, चुनाव नियमित अंतराल पर कराए जाने चाहिए। थर्ड, हर किसी को मत का अधिकार और हर मत का मोल समान होना चाहिए। चौथा, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। जब ये सारी विशेषताएं अगर होंगी तो उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसका आंसर है बेटा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप चुनावी ही होना चाहिए, वह व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता में नहीं बदलना चाहिए। एक दूसरे पार्टी के व्यक्ति पर कोई दोष ना लगाए और ना ही जनता को आपस में लड़ाई करनी चाहिए। एक दूसरे की पसंद का आदर करना चाहिए और आपस में कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय प्यारे बच्चों।